नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और स्वागत करता हूं आपका कैलकुलस में। जी हां, कहां आपके मैथ्स डैडी पर। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तो दोस्तों, क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म? पैरामेट्रिक फॉर्म कुछ भी अलग चीज या भयानक चीज नहीं है, बड़ी चीज नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर एक्स और वाई वेरिएबल एक्सप्लिसिटली शो किए जाएं, एक्सप्रेस किए जाएं किसी और तीसरे वेरिएबल के फॉर्म में, उसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। नहीं समझ में आया? अरे देखो ना, एक्स की अलग से वैल्यू दे दी जाएगी, वाई की अलग से वैल्यू दे दी जाएगी। मतलब एक्स एंड वाई वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड एक्सप्लिसिटली, अलग अलग एक्सप्रेस कर दिया गया है ना, वो भी किसके फॉर्म में? थर्ड वेरिएबल की हेल्प से। तो यहाँ पे टी इन्वॉल्व हो गया, टी इन्वॉल्व हो गया। हाँ, ये अपन ने किए हुए हैं भाई, अपन ने सब किया हुआ है, आता है अपन को। dx करेंगे यहाँ पे, dx by dt निकालेंगे, dy by dt निकालेंगे और फिर दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर देंगे, खेल खत्म। देखते हैं ट्राई करके। ये आपने दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया एंड यू आर लेफ्ट विथ a 1 प्लस cos t फाइनल एंड माइनस माइनस कैंसिल एंड ओवर हियर वी हैव a sin t। आपको निकालना क्या है? dy by dx, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे आपस में। इस स्टेप पे आके आप खुश हो जाएंगे क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है कि इसको हाफ एंगल में तोड़ना पड़ता है साइन टी को, और 1 प्लस कॉस टी को भी हाफ एंगल में तोड़ना पड़ता है। कर देते हैं, क्योंकि यहां पे डी टी डी टी कैंसिल, तो यू आर लेफ्ट विद डी वाई बाई डी एक्स। ए ए कैंसिल, साइन टी को प्यार से साइन टू टी वाला फॉर्म, टू साइन टी कॉस टी डिवाइडेड बाय, और 1 प्लस कॉस टी क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर टी बाई टू। जी हाँ, 2 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर कॉस कैंसिल, ये टी बाई टू है भाई, है ना, भूल जाता हूँ मैं थोड़ा सा। यहाँ पे क्या आया? साइन टी बाई टू बाय कॉस टी बाई टू, क्या बचा? तो दिस इज योर फाइनल आंसर। लेकिन एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, टी इजिकल टू वाई बाई टू, ये भी डाल दो। ये लाइन का मतलब क्या होता है कि वी आर फाइंडिंग डी वाई बाई डी एक्स एट टी इजिकल टू वाई बाई टू, राइट? तो योर आंसर इज 1, नोट इट डाउन। तो दोस्तों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जहां पर फिर से वैसी वैल्यू दी हुई है, आराम से इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ये कुछ इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर देंगे, आप पहले dx को और उसके बाद बारी है dy by dt की। मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको कि यहाँ पर b कॉमन है, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब दिस इज योर सेकंड इक्वेशन and this is your first equation, you just have to divide it, second from 1, अब इसमें देखेंगे 4 4 कैंसिल हो गया, cos 3t कैंसिल, सिर्फ sin t by cos t बचा हुआ है, तो dy by dx is equal to b by a tan t, आपको यहाँ पे pi by 4 पर निकालना है, तो वो भी क्लियर है, dy by dx at t is equal to pi by 4, b by a is e tan pi by 4, tan pi by 4 is 1, answer. So, दोस्तों, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे आपको आता है लेकिन तभी कर देता हूं। अब आप सोचेंगे कि क्यों ना इसको dx by dt करके ऐसे ही तोड़ दिया जाए। अरे भाई, मैं जानता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगता है सॉल्व करना कि अगर मैं e की पावर cos 2t कर दूं cos 2t, पर उससे आसान log है। अब आपके पास log आ गया है और वो भी आपको पता है कि e की पावर जब log आता है तो सेम फंक्शन मिलता है, किया था हमने कुछ देर पहले। और ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आपका log लगा हुआ है तो वो cos 2t ही बचेगा।
दैट्स इट, नाउ डिफरेंशिएटिंग। अब यहां पर एक मुद्दे की बात यह है कि भाई ये टी के फॉर्म में है, ये एक्स है। भाई यहां पर याद रखना, टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। अरे डिनोमिनेटर में टी आएगा, डीएक्स बाई डी टी आएगा, तब तो वो कैंसिल होगा ना। अरे dy by dt, dx by dt, तो यहां पे जो आपका आया है x, तो डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो dx by dt करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 by x पर dx by dt तो आएगा ही आएगा, इज इक्वल टू cos 2t। यहां पे हम गलती कई बार कर देते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ये चीज, ठीक है। cos 2t का डिफरेंशिएशन आसान है, क्योंकि यहां पे आएगा माइनस साइन 2t और मल्टीप्लाई बाय 2। सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू t, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 by y dy by dt is equal to cos 2t into 2. Okay, now you have x, you have y, you have to multiply to right hand side in order to get final answer. Ab, dividing this equation with this, that's it. और आपको अच्छी तरह पता है कि log x को क्या बोलते हैं, cos 2t, और log y क्या बोलते हैं, sin 2t, क्योंकि हमको यहाँ पे log के फॉर्म में प्रूव करना है। तो क्यों ना आप ये 2 2 कैंसिल करके जो आपका आया cos 2t को लिखेंगे log x, तो आएगा y log x डिवाइड बाय sin 2t को लिखते हैं आप लोग log y, तो यहाँ पर आ गया माइनस x log y, हैंस प्रूव्ड। अब यहां पर देखिए, आपके पास फिर से एक ऐसा सवाल आ गया जिसको अलग अलग सॉल्व करना है। अरे भाई अलग अलग सॉल्व तो कर देंगे, पर इनको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने की हिमाकत मत कर देना। आप क्या करेंगे, रूट है मतलब पावर है, पावर को हटाने क्या करते हैं, लॉग लगाते हैं। अब आप बोलेंगे कि आपको तो आता था। अरे कैसे नहीं आएगा, पढ़ा तो रहे हैं आपको, ठीक है करते हैं। अब यहां पर एक्स की वैल्यू आएगी, अब रूट लगाने की जगह पावर 1/2 लगाता हूं मैं, और ध्यान से लगाना ये a की पावर पूरी 1/2 है, तो ये 1/2 यहां पर है असल में, क्योंकि यार अरे यार आप ऐसी बात मत करो यार, x a की पावर a क्या होगी, a स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई आती ना, तो मल्टीप्लाई होगी ना पावर, पहले 1/2 थी और साइन इनवर्स थी, मल्टीप्लाई हुई। अब ये जो पावर है पूरा पावर वाला हिस्सा बाहर आएगा, एंड यू आर लेफ्ट विथ log a ओनली, log a तो कॉन्स्टेंट होता है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, और साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब आप बोलेंगे सर यहां पे dx by dt करना है, तो dx by dt है मतलब यहां पे क्या होगा, dx by dt ये भी आएगा, तो इनको ध्यान से रखिएगा। अब वैसे ही आप निकाल लेंगे लॉग वाली चीज, यहां पर लॉग लग जाएगा, फिर से लॉग ए, लॉग लॉग ए किसी काम का नहीं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। माइनस में बस ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन, आपको सिर्फ सेकेंड डिवाइड बाय वन करना है, सब कुछ कट जाएगा, सब कुछ log a by 2 root over 1 minus t square, यहाँ सब कुछ कट जाएगा, बचेगा क्या, ये जो y आएगा ना, ये वाला y और ये वाला x है और ये negative sign, बस ये बचेगा, hence proved। तो जो ये prove that वाली condition थी, आपने उसको hence prove कर दिया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको parametric form जिसमें हम explicit equation solve करते हैं समझ में आ गया होगा। तो move करते हैं next video की तरफ, और आज के video के लिए इतना ही, नमस्कार। Midgets that be fire juggling, maybe it's just me, cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the peephole, yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club into a freak show.